अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देश में मौजूद जैन समाज के करीब 50 लाख लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है। ये खबर देश के 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था से भी जुड़ी हुई है। अजमेर की एक मस्जिद का नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। नाम की तरह ही इस मस्जिद के निर्माण का इतिहास विवादित है। कुछ दिन पहले जैन संत और हिंदू संगठन अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम की इस मस्जिद में पहुंच गए। वहां उन्होंने पूजा पाठ की मांग की। उन्होंने इस जगह को प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों का स्थान बताया। आज हम अजमेर की इस मस्जिद की सच्चाई आपको बताएंगे, वो भी सबूतों के साथ। सबसे पहले हम आपको अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद के निर्माण की रोचक कहानी बताना चाहते हैं। इस मस्जिद का नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसलिए पड़ा था क्योंकि ये ढाई दिन में बनी थी। दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। ढाई दिन में मस्जिद बनना मुमकिन नहीं था, इसीलिए ऐबक ने 20 से 30 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा दी थी। मस्जिद से पहले इस जगह पर हिंदू और जैन मंदिरों के अलावा एक संस्कृत विश्वविद्यालय भी था। इस्लामी शासक मोहम्मद गौरी के आदेश पर मंदिरों और संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ा गया था। मस्जिद बताई गई इमारत ASI की संपत्ति है। इस ऐतिहासिक इमारत की कारीगरी देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह मस्जिद रही होगी। किसी भी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं के रूप को नहीं उकेरा जाता है, लेकिन अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में हिंदू वास्तुकला और देवी देवताओं की कलाकृतियां छाई हुई हैं। हम आपको इससे जुड़े 5 सबूत दिखाते हैं। मस्जिद के खंभों पर देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं। मस्जिद की वास्तुकला हिंदू जैन धर्म से जुड़ी हुई है। मस्जिद के एक खंभे पर मां काली की कलाकृति बनी हुई है। मस्जिद की कुछ दीवारों पर स्वस्तिक बना हुआ है। मस्जिद के खंभों पर सांप, मछली, कछुआ जैसी कारीगरी है। इन सबूतों को अपनी आंखों से देखने के बाद संदेह नहीं रह जाता कि जिस जगह को अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद बताया जाता है वो पुरातन हिंदू जैन मंदिर थे। इस इमारत में देवी देवताओं की जितनी भी कलाकृतियां हैं उन्हें खंडित किया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग की एक पुरानी रिपोर्ट से हमें इसकी सच्चाई पता चली है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्ष 1861 में अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट को ASI के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम ने तैयार किया था। इस रिपोर्ट का नाम था 4 रिपोर्ट्स मेड ड्यूरिंग 1862, 63, 64, 65 वॉल्यूम 2। ये रिपोर्ट किताब की शक्ल में भी मौजूद है। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 158 में लिखा है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद को हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। पेज नंबर 259 में बताया गया है कि खंभों पर 4 हाथ वाली कलाकृतियां हैं, इसमें देवी काली की कलाकृति है। पेज नंबर 259 पर बताया गया है कि दीवारों पर देवनागरी लिपि में अक्षर लिखे हुए हैं। पेज नंबर 260 पर बताया गया है कि इमारत के खंभे हिंदू मंदिरों से जुड़े हुए हैं। पेज नंबर 262 पर बताया गया है कि खंभों पर 11वीं और 12वीं शताब्दी के कारीगरों केशव श्री सिहाला और डाबरा के नाम लिखे। क्या ये बात आपको हैरान नहीं करती कि ढाई दिन में बनने वाली मस्जिद के खंभे उससे 200 साल ज्यादा पुराने हैं। ASI को यहां से हिंदू मंदिरों के कई पुरातात्विक सबूत भी मिले। वर्ष 1875-76 में ASI को 2 शिलालेख मिले थे। वर्ष 1891 में आई रिपोर्ट इंडियन एंटीक्वरी और जर्नल ऑफ ओरिएंटल रिसर्च में इसका जिक्र है। इसके पेज नंबर 201 में बताया गया कि शिलालेख चामान राजा विग्रह राज से जुड़े हैं। शिलालेखों में 2 नाटक ललिता विग्रह राज और हरिकेल चिन्हित हैं। वर्ष 1902 में ASI ने दूसरी बार इस जगह पर खुदाई की थी, तब उन्हें सफेद रंग का शिवलिंग मिला था। इसका जिक्र 1902-1903 की वार्षिक रिपोर्ट में भी किया गया था। वर्ष 1909 में आई एक और रिपोर्ट में बताया गया कि इस मंदिर का निर्माण चामान राजा विग्रहराज विसलदेव ने करवाया था। तस्वीरों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के बाद अब बारी है वीडियो सबूतों की। हमने इस जगह से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, इससे आपको अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की छिपाई गई सच्चाई पता चलेगी। बोर्ड और पास में ही टूटे हुए स्वस्तिक चिन्ह इस इमारत के वर्तमान और इतिहास के साक्ष्य हैं।
इस इमारत की सुनी सुनाई कहानियों का सच इतिहास की किताबों और पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट्स में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद आज इबादतगाह है, लेकिन वर्ष 1192 से पहले ये हिंदू और जैन मंदिर था। अढ़ाई दिन के झोपड़े की अगर हम लोग आपको तस्वीर दिखाएं, तो सबसे पहली तस्वीर आप यहाँ पर पिलर्स की देखिए। आज से 160 साल पहले ईसाई के पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंगम ने इस पूरी इमारत के बारे में कहा था कि पूरी इमारत हिंदू मंदिरों के पिलर्स से बनी है। ये इस पिलर के ऊपर ये बनी हुई मूर्ति, ये जो आपको इस पिलर के ऊपर ये सिंगल मूर्ति दिखाई दे रही है, इस सिंगल मूर्ति के बारे में अलेक्जेंडर कनिंगम का कहना था कि ये काली माँ की मूर्ति है जो कि यहाँ पर अढ़ाई दिन के झोपड़े के परिसर में मौजूद है। खंभों पर हिंदू देवी देवताओं की खंडित कलाकृतियों के बीच यहाँ 5 बार की नमाज पढ़ी जाती। विवाद इसी पर है कि जो जगह हिंदू जैन मंदिर और संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करते थे वो आखिर कब तक मस्जिद कहे जाते रहेंगे। इमारत में बनी कलाकृतियाँ इस स्थान का वो इतिहास है जो वर्षों छिपाने के बावजूद आज भी पहचाना जा सकता है। वहाँ का जो आभा मंडल है उससे ऐसे लगता है कि ये परिसर निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। इस पर काम होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए और सद्भावना पूर्वक निराकरण भी होना चाहिए। जितने भी इस्लामी हमलावरों ने भारत पर आक्रमण किया उन्होंने यहाँ के मूल धर्मों को चोट पहुँचा। मंदिरों को नष्ट करना इसी कट्टर विचारधारा का सबूत थे। मस्जिद कही गई ये जगह भी इसी कट्टर विचारधारा की भेंट चढ़ गई। अलेक्जेंडर कनिंघम की जो 1862 से 65 के बीच की रिपोर्ट्स हैं उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से अढ़ाई दिन के झोपड़े को कैसे तोड़ा गया और कैसे वो हिंदू उसमें प्रतीक और अलंकरण, बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं उसके स्तंभों पर दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीजें मिलती हैं। अजमेर की इस मस्जिद को मंदिर बताने का ये विवाद अभी और बढ़ सकता है क्योंकि इस जगह पर जैन और हिंदू समाज दोनों एक साथ अपना हक जता रहे हैं। अजमेर से शिवांक मिश्रा, जी मीडिया। News.